नमस्कार, मैं हूं अंजुल राजपूत। ऑल वन न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 4 परिषदों में की जीत हासिल। राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 4 परिषदों में बहुमत हासिल किया। 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों की कुल 1564 में से 670 सीटों पर कांग्रेस ने एक अच्छी जीत दर्ज की। मुख्य विपक्षी दल भाजपा 551 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य के 6 जिलों में हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों में बाजी मारते हुए 4 जिला परिषद में बहुमत हासिल किया। राज्य के 6 जिलों में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधेपुर, दौसा और सिरोही के 200 जिला परिषद सदस्यों, 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में हुए मतदान के परिणाम शनिवार दिन जारी किए गए। इसमें जो मुख्य विपक्षी दल भाजपा रहा है, उसको सिरोही जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है। और दूसरी तरफ देखें तो भरतपुर जिला परिषद में वह सबसे बड़ी रूप में सामने आई है। हालांकि भरतपुर में बोर्ड बनाने में बहुजन समाज पार्टी व निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इन 6 जिलों में जिला परिषद सदस्यों की कुल 200 सीटों में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस आगे रही है और दूसरी तरफ भाजपा के खातों में 90 सीटें दर्ज हुई। 8 निर्दलीय व बसपा की 3 उम्मीदवार भी जिला परिषद सदस्य चुने गए। कांग्रेस को जयपुर, जोधपुर, सवाई माधेपुर, दौसा में बहुमत मिला है, जहाँ उसका जिला प्रमुख बनेगा। लेकिन भरतपुर में इसका फैसला करने में निर्दलीय व बसपा सदस्य की बड़ी भूमिका रही। भरतपुर जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा को 17, कांग्रेस को 14, बसपा को 2 व निर्दलीय 4 पर जीत। वहीं 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों में कुल 1564 सीटों में से 1562 सीटों के लिए परिणाम भी शनिवार के दिन जारी कर दिए गए। इनमें से कांग्रेस ने 670, भाजपा ने 551, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने 40, बसपा ने 11 सीटें जीती। वहीं 290 सीटों पर निर्दलीय पार्टी विजयी रही। गौरतलब है कि भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधेपुर एवं सिरोही जिलों में 3 चरण में 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान हुआ था। जिला प्रमुख पंचायत समिति प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को, जबकि उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और सभी विजयी प्रत्याशियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित जीत की बधाई दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के 6 जिलों में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के लिए हुए चुनाव के परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए शनिवार को कहा कि ये परिणाम मुख्य विपक्षी दल भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि भाजपा अन्य दलों व निर्दलियों का प्रतिशत मिलाएंगे तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही जनादेश है। पुनिया के मुताबिक जिस तौर से कांग्रेस इन नतीजों का प्रचारित कर रही है, वह बहुत बड़ी जीत नहीं है, ना ये भाजपा की हार है। पंचायत के समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को बढ़त। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य के 6 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव में बढ़त हासिल करते हुए 1564 में से 670 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने 551 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गणना शनिवार को हुई। 6 जिलों में 78 पंचायत समितियों में कुल 1564 सीटों में से 1562 सीटों के लिए परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 670, भाजपा ने 551, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 40, बहुजन समाज पार्टी ने 11 सीटें जीती। वहीं 290 सीटों पर निर्दलीय विजय रही। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा की बढ़त है, जिसने 32 सीटें जीती हैं। कुल 200 सीटों में से 64 सीटों के लिए परिणाम घोषित किए हैं।
जिसमें से भाजपा को 32, कांग्रेस ने 25, आरएलपी ने 5 व बसपा ने 2 सीटें जीती हैं। पंचायत चुनावों में जीते उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनके निवास पर बधाई दी और फूल मालाएं पहनाकर जश्न मनाया। राज्य के 6 जिलों में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही के 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए 3 चरणों में मतदान हुए हैं। इनमें से एक जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें से एक जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।